हेलो एवरीवन, आज के समय में जब लोग बहुत ही चिंतित हैं और परेशान हैं अपने करियर के बारे में और चाहते भी हैं जब कोई करियर चूज करना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसमें कितना पैसा मिल रहा है, किसमें शान शौकत मिल रही है, और उसमें भी अगर आप लड़की हो तो और भी आपके लिए मुश्किल की बात है। जो सोसाइटी में आपको सक्षम नहीं माना जाता है, किसी काबिल नहीं माना जाता, लोग बोलते हैं लड़की है क्या ही कर लेगी जाके, ऐसी सोसाइटी में आज भी हम लोग को ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो इन सब स्टीरियोटाइप्स को नकार देते हैं, उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। उन्हीं में से एक जीती जागती मिसाल इंडिया में सेकेंड रैंक टॉपर इन NDA एंड फर्स्ट अमंग गर्ल्स मिस अनुष्का बोर्डे। So, Anushka, we really congratulate you from the bottom of our heart कि आपने इतनी बड़ी सक्सेस, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे, और हमने जहाँ तक सुना है बहुत कम समय में, मतलब रियली हैट्स ऑफ यू। तो Anushka, अभी दो दिन पहले रिजल्ट आया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जब आपको आपका नाम दिखा लिस्ट में या जैसे भी आपको न्यूज मिली, पहले तो ये बताइए आपको न्यूज कैसे मिली कि आप सेकेंड आई हैं। मैं कुछ काम कर रही थी तब मेरे फोन में नोटिफिकेशन आना बहुत शुरू हो गए, सो आई जस्ट वेंट टू माय फोन और मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कांग्रेचुलेशंस ऑल इंडिया रैंक 2। तब मुझे लगा, पहले तो लगा कि मजाक हो रहा है, फिर मुझे लिस्ट भेजी थी एंड जब मैंने लिस्ट खोल के देखी कि मेरा रैंक आया है, आई रैन टू माय मदर एंड आई जस्ट शाउटेड ऑल इंडिया रैंक 2 एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, शी वाज वेरी हैप्पी। देन आई कॉल्ड माय फादर, आई कॉल्ड माय टीचर मिस्टर प्रेम सागर लोहिया एंड मैंने उन सबको ये न्यूज़ बताई, भैया भी तब घर पे ही था, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। वेरी नाइस, सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट इन योर लाइफ। यस। तो Anushka, कैसे आपको पता चला, क्योंकि आप सिविल बैकग्राउंड से आते हो, तो फिर आपको कैसे पता चला कि NDA जैसा कोई चीज है, या हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ऑल दिस एग्जाम्स? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से ही अपने नेशन को सर्व करने की बहुत इच्छा रही है, सो माई पेरेंट्स न्यू की सिविल सर्विसेज एक काफ़ी अच्छा चॉइस है, सो दे वॉन्टेड मी टू डू सिविल सर्विसेज, इवन आई हैड एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इट, बट समवेयर मुझे एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इन माई 8th स्टैंडर्ड देयर वाज दिस वन टीचर मिस्टर अभिजीत पवार सर, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया अभी ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज उन्हें खुद को ज्वाइन करना था बट वो कर नहीं पाए। सो ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू द वे ऑफ लाइफ कि कैसा होता है फौज में, डिसिप्लिन कैसा है, हाउ इज़ द वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव देयर, हाउ आर द पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग, उन्होंने सब बताया। तभी मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज तो है ही, बट डिफेंस इज समथिंग जिसका अलग ही एक रुतबा है, और सिर्फ रुतबा ही नहीं बट यू गेट टू सर्व योर नेशन डायरेक्टली बीइंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द मिलिट्री पर्सनल, अबाउट दोज़ हु वर किल्ड इन एक्शन फ्रॉम वेरियस बुक्स। अभी रचना बिस्ट रावत मैम है, उनके बुक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो जब मैंने ये सारे बुक्स पढ़े एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट मेजर सुधीर कुमार वालिया, अशोक चक्र पोस्टमसली, तब मुझे मतलब उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उनके स्टोरी में, उनके सैक्रीफाइस में एंड द काइंड ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर ही वाज स्पेशली इन स्पेशल फोर्सेज। सो आई डिसाइडेड दैट यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Anything particular that why only army and not other or anything in army particularly? Initially जब मुझे पता चला तो एक वीर बाय डिस्कवरी पे एयर फोर्स एकेडमी का एक उन्होंने सीरीज बनाया था, तो मैंने वो देखा एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि फाइटर पायलट बनना है, बट आई न्यू कि मुझे स्पेक्स थे, सो आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग अदर थिंग्स। तो मैंने मुझे लगा एक तो एयरफोर्स है नहीं तो कुछ नहीं है, बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट आर्मी एंड तब पता चला कि सिर्फ फाइटर पायलट बनने में ही उतना एडवेंचर नहीं है, बट आर्मी में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो धीरे धीरे वो एयरफोर्स से आर्मी पे आ गया एंड फिर वो आर्मी के लिए इतना स्ट्रांग पैशन बन गया एंड आई मेंशन सुधीर सर के बारे में भी पढ़ा, सो तब तो आर्मी ही करना है, भले ही एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी भी मिल रहे, देन टू आई वांट टू गो फॉर द आर्मी। सो कितना टाइम हो चुका है आपको इसकी प्रिपरेशन में, कैन यू जस्ट गो थ्रू योर प्रिपरेशन कि आपने मतलब कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए और कैसे अचीव किया? जब NDA पे भी कुछ वेब सीरीज है ऑनलाइन तो मैंने वो देखे थे
माय फराज शेर एंड जर्नलिस्ट, तो वो गए थे एंड मैंने वो एनडीए के देखे और मैंने डिसाइड किया एनडीए जाना एनडीए जाना. और मैं मतलब प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट शुरू ही कर दी थी इलेवेंथ में ही, लेकिन तब पता चला कि लड़कियों के लिए तो है ही नहीं. तो तब एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए. बट आई ऑलवेज यूज टू आर्ग्यू कि ये क्यों नहीं है क्यों नहीं है. आई यूज टू टॉक टू माई टीचर्स एंड हू सो एवर आई यूज टू गेट, एंड मैं कहती थी एनडीए एक दिन लड़कियों के लिए खुलना ही चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी एनडीए के बारे में. बट देन इन सेप्टेम्बर 2021 miraculously like out of blue पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि एनडीए लड़कियों के लिए खुलना चाहिए एंड दिस इज द ऑर्डर. तब मैं काफी काफी ज्यादा खुश हुई थी. तब तो मुझे लग रहा था एनडीए मेरे लिए ही खुला है और मुझे जाना है. यस इट इज अ बून एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु प्रेड कि मेरा ये जो सपना है वो पूरा होना चाहिए. दैट थिंग्स फेल इनटू प्लेस एंड फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो मुझे रिटन एग्जाम के लिए अराउंड 50 डेज मिले थे सितंबर टू नवंबर. 14 नवंबर का एग्जाम था. तो व्हाट आई डिड वाज आई फर्स्ट कॉन्टेक्टेड टू माय गुरु टू माय मेंटर मिस्टर प्रेम सागर लोहिया सर, जिनकी एकेडमी है पब्लिक सर्विसेज एंड लीडरशिप एकेडमी. मैं ये एकेडमी से बहुत पहले से जुड़ी हुई थी जब ये एकेडमी नहीं थी, बट सर मुझसे पहले से जुड़े थे. सो आई हैव बीन विद दिस एकेडमी सिंस इट्स इंसेप्शन. सो सर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया. मतलब मैंने जब उन्हें कहा कि मुझे एनडीए करना है, सो इवन ही यूज टू टेल मी अबाउट थिंग्स अबाउट एनडीए एंड हाउ ही हैड ऑलरेडी गाइडेड अदर पीपल. बिकॉज टिल नाउ इफ यू सी दैट सिंस इट इज इन औरंगाबाद जो काफ़ी एक छोटी जगह है, यहाँ पे एसएसबी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, उतना क्रेज नहीं है. सो उन्हें काफ़ी कम बच्चे मिले हैं मेंटर करने को. सो लाइक फुल हैंड मेंटरिंग उन्होंने चार लोगों की है, उसमें से वन वॉज आउट ओनली बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन रीजन और एल्स इवन ही वुड हैव बीन रिकमेंडेड. One was Devang Ashutulkar, he is now in NDA. There was Piyush Kothawde, he wo TS entry se abhi TS 47 ke liye andar hai, he is now in OTA gaya and abhi mera recommendation ho gaya. So sir helped me a lot in doing this. उन्होंने मुझे बताया कि रिटर्न के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम कैसे है, कितने मार्क्स का क्या सेक्शन है. जब मार्क्स क्वालिफाई करोगे तभी आपको जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और वो पेपर चेक होगा. सो आई स्टार्टेड फर्स्ट विद मैथ्स. मैथ्स का भी द थिंग वॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई. सो मैथ्स मेरा एनडीए के ऊपर के लेवल का प्रिपरेशन चल रहा था. सो मैथ्स में मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई, बट प्रॉब्लम ये था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था. सो आई हैड टू गो विद दी ऑनलाइन वीडियोज, यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स मुझे मिल पाते थे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनके लिए. तो मैंने पहले वो किए और मैथ्स मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैंने रखा कि जो मुझे आता है वो मैं काफ़ी अच्छे से करूँगी. बिकॉज कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड मुझे गैट में स्कोर करना डिफिकल्ट है क्योंकि सोशल है, उसमें करंट अफेयर्स है जिससे अपना नाता कभी पहले ही टूट गया है. सो उसके लिए मैंने सोचा मैथ्स जो पीसीबी सेक्शन होगा वो और इंग्लिश, इन तीनों में स्कोर करना. सोशल साइंस इज नॉट प्रिडिक्टेबल, जितना आएगा उतना आएगा. सो पहले मैंने मैथ्स के लिए जैसे मैंने कहा यूट्यूब वीडियोज लेके एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाई और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए, क्वेश्चंस को रेफर किया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो रेफर किया. इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि बिफोर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम अ पर्सन शुड फर्स्ट स्टडी द एग्जाम इटसेल्फ. सो यस कि एग्जाम कितने डेप्थ को टच करता है, क्या क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्वेश्चंस नहीं पूछता. सो वंस यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये टॉपिक है और ऐसे सवाल है, यू गेट दैट आइडिया ऑफ स्टडिंग द टॉपिक कि हाँ इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आप खुद से जब पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हो, नोट्स में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करना शुरू करते हो. सो दिस इज हाउ फर्स्ट यू शुड स्टडी हाउ द एग्जाम इज, पास्ट ईयर पेपर्स कैसे हैं वो देखना. उसके बाद यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो मैथ्स के लिए ऐसा हुआ फॉर गैट इंग्लिश पे प्रैक्टिस, इंग्लिश तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही सुधरेगा और कोई उसके लिए ऑप्शन है नहीं. एंड फॉर पीसीबी मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसके वजह से है. मेरा साइंस बैकग्राउंड था, जेई था तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही था. और बायोलॉजी के लिए मुझे मैंने सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स पढ़े, उसमें जितनी थियोरी थी उतनी पढ़ी, बाकी का कुछ रेफर नहीं किया. यस रिवर्स इंजीनियरिंग बिकॉज और कुछ मतलब उतना टाइम था ही नहीं. एंड बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस हो गए तो फिर वो 10 क्वेश्चंस के लिए इतना कुछ पढ़ना वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी. सो उसके लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे एंड इवन फॉर सोशल स्टडीज. हिस्ट्री में मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री किया था, ज्योग्राफी में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक ओशन करेंट्स हो गए, विंड्स हो गए,
तो ये जब आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कर लोगे और पॉलिटी में भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं या फिर हिस्ट्री में आपको मिलेगा एक क्रोनोलॉजी होती है कि वाइसरॉयज एंड ऑल उन्होंने क्या काम किया वगैरह, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. एंड फॉर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ना तो है ही. एंड यूट्यूब पे बहुत सारे कंपाइलेशंस होते हैं, सो दे कैन ऑल्सो सेव योर टाइम, बिकॉज बहुत बार न्यूज़पेपर में ढूंढना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर कौन सा नहीं. बट यूट्यूब पे जो कंपाइलेशंस है बच्चे उन्हें भी रेफर कर सकते हैं. पढ़ाई किया और मॉक टेस्ट सॉल्व करना टाइम मैनर में, जब तक हम वो माइंड सेट के साथ टेस्ट नहीं देंगे तब तक कुछ होगा नहीं. ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई किया और उसी दिन पेपर दिया. अपना लाइक जैसे ड्रिल्स होते हैं, मॉक ड्रिल्स होते हैं बीट इन द आर्मी और बीट इन एनी इंस्टीट्यूट, वैसे ही आपको भी मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं आपके टेस्ट के लिए. सो दैट आपका जो माइंड है वो 5 घंटा 2.5 के जैसे दो सेशन होते हैं वो 5 घंटों के लिए ट्रेन होता है कि आपको एक जगह बैठ कर उस टेम्परामेंट में वो सॉल्व करना है विद योर कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ डेडिकेशन. यस यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट वाज हाउ विद माय फेज. यहीं पर सब लोग या तो फेल हो जाते हैं, पढ़ तो बहुत लेंगे बट कौन उसको कन्वर्ट कर पाएगा, कौन वो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दे पाएगा. और क्या पढ़ना है वो भी इम्पोर्टेंट है. मैं तो बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं जो इररिलेवेंट है या फिर उसका वेटेज काफी कम है और उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे दे रहे हैं. इवन इन मैथ्स कभी कभार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनका वेटेज उतना भी नहीं है. कंपेरेटिवली कुछ ईजी टॉपिक्स है जिसपे उतने ही सवाल आते हैं, तो अगर आप वो करते हो तो दैट इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. सो विद हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क भी करना ही पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट. यस, नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ टाइम काफी कम है एंड यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट यू आर स्टडीइंग. अच्छा, मैंने आप ये बोलते हैं कि टाइम कम है, तो प्रिसाइसली आपको कितना टाइम मिला था इसके लिए? मुझे रिटन के प्रिपरेशन के लिए 50 डेज मिले थे. So only 50 days you were able to crack the exam till the final end and that to achieve second rank. मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है कि 50 days में आपने सीधा second rank achieve किया. Yes, मतलब written exam के लिए I got 50 days. So how much did you get in written exam? आपको written मेरा जो first written exam था 50 days वाला, उसमें मुझे around मुझे exactly 582 score आया था जब बाद में scores declare हुए थे. Even though I was conference 582. Yes. That's a lot. Even though I was conference out in my first attempt, but मेरा written का score काफी अच्छा था. और मेरा जो interview था first वाला, तो वो 16th अप्रैल को था एंड रिटन एग्जाम वाज ऑन 10th अप्रैल. तो मैंने सोचा इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, तो सेकंड रिटन भी मैंने ऐसी हवा में दे दिया था कि चलो वो पुरानी जो पढ़ाई थी 50 दिन की वही यहाँ काम आई थी. सो उसमें अराउंड जो जिस अटेम्प्ट के लिए मैं रेकमेंड हुई है उसमें रिटन में अराउंड 530 मैंने जो कैलकुलेट किया है वो 530 स्कोर आ रहा है. 530 इज आल्सो गुड. यस, 530 भी बहुत अच्छा है. यस, सो दैट इज हाउ द स्कोर्स वर. तो यानी कि आपने टोटली अभी कितने अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं. यस, इन एनडीए. यस, सो पहले में आप कॉन्फ्रेंस तक पहुंची थी. यस, रिटन क्लियर हुआ था आपका. यस, आपने एसएसबी दिया एंड यू मेड टिल द कॉन्फ्रेंस. यस, बट यू डिडंट क्लियर दैट. यस, सो मतलब क्या हो गया आपको, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि क्या ग्लिच क्या हो गई कि नहीं हो पाए? yes. या बहुत करीब से रह गया. The thing I feel was, जब मैंने SSB के लिए preparation शुरू किया, मेरा जब written exam हो गया था, तो मैंने score calculate किया, मैंने मेरे sir को बताया, sir ऐसा ऐसा score है, sir बोले हो तो clear तो हो जाएगा, you start preparing, and I started preparing, but somewhere मैं overconfidence में चली गई थी, because till now academic setbacks बहुत कम मिले हैं, मतलब 10th में भी score आ गया, 12th में भी आ गया, so मैं अभी ना topper नहीं हूँ. Yes, with all humility I'm saying this, but उसके वजह से I thought कि हो जाएगा and I did not have much exposure. तो when I contacted the PSC, it was the first conference. Yes, it was my first. Yeah, it was my first SSB. So जब मैंने PSL Academy से contact किया, उन्हें बताया कि अभी SSB भी आ गया written, आपके वजह से हो गया. So they said that कि we will start sessions for SSB also. तो उन्होंने एसएसबी क्या होता है, तेजस राठी सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया, उन्होंने पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन दिया कि व्हाट इज़ एसएसबी, क्या टास्क होते हैं, माइन्यूट
चीजें बताई कि साइकोलॉजी है, उसमें टैट है, बैट है, फिर ग्राउंड पे पीजीटी होता है, एफजीटी होता है, स्नेक रेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है. तो ये सब चीजें मुझे तेजस सर ने बताई एंड ही वाज लाइक एन एल्डर ब्रदर गाइडिंग नॉट ओनली मी बट द पीपल दैट आई टॉक्ड अबाउट के पीयूष था एंड सो वी हैड दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी. सो उन्होंने काफी अच्छे से हमें इंट्रोड्यूस किया इस प्रोसेस को. इसी बीच मुझे यशमोर सर ने 14 डेज का गाइडेंस कोर्स भी दिया था. सो दैट वाज फॉर 14 डेज. बट इन एसएसबी द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज पर्सनालिटी एंड हाउ यू बिहेव सबकॉन्शियसली एवरी डे. बिकॉज वहाँ पे आप सोचोगे कि ओके मुझे ये ओएलक्यूज प्रोजेक्ट करना है या फिर आई वांट टू शो देम द बेस्ट फेस. बट व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑन ग्राउंड और या फिर जब साइकोलॉजी में बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है टाइम की वजह से तब यू शिफ्ट ऑन दैट सबकॉन्शियस मोड. और तब आप जब जैसे रोज बिहेव करते हो आप वैसा बिहेव करने लगते हो, वो निकल के आ ही जाते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रेशर में डाल देते हैं कि असलियत निकल ही जाती है. यस सो दैट वाज व्हेन मुझे पता चला कि एवरीडे लाइफ में चेंजेस लाना टू क्लियर एसएसबी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिकॉज एट टाइम्स आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन सम थिंग्स कि अच्छा रिटर्न हो गया सो आई वॉज लिटिल चिल्ड आउट. सो ज़्यादा मैं पढ़ाई वगैरह कर नहीं रही थी. इवन तो मैंने मेरा बैकअप ऑप्शन रखा था सीईटी एमएसटी सीईटी क्योंकि मैंने जेई ड्रॉप किया था. आई टुक दिस गैम्बल बट मैं उसमें भी फोकस कर रही थी. Since you want to go into NDA, yes. So you drop that preparation, yes. And started preparing for NDA. Yes, okay. That was how it was. So, मैंने वो idea drop कर दिया and I was a little casual, I believe, in my first attempt. और but I still feel कि शायद इंटरव्यू को पता चल गया that I'm going a little casually. So I was grilled in my first interview, जो personal interview होता है. द साइकोलॉजी टेस्ट का मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया. मुझे लगा इफ आई गो दैट वे हो जाएगा. बट द थिंग इज वो आइडियाज उस टाइम प्रेशर में आना, उस टाइम के प्रेशर में आना, वो हाथ की स्पीड होना कि आप प्रेशर में भी उतना फास्ट लिख पा रहे हो, आप चीजें कंप्लीट कर पा रहे हो. मैंने साइकोलॉजी की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी वजह से जब वो वहां पे आया मुझे स्टोरीज अच्छे दिखते नहीं आए एंड स्टोरीज वर वेरी इंपॉर्टेंट सो वो नहीं हुआ. एंड स्क्रीनिंग तो हो गया था बट स्क्रीनिंग काफी आई गेस ईजी था बिकॉज हमारा ग्रुप ज्यादा एकदम शांत था. दे वर वेरी एक्टिव एंड ऑल. तो साइट में ये प्रॉब्लम हो गया. ग्राउंड में भी आई ट्राइड माई बेस्ट बट समवेयर नहीं हुआ बिकॉज आइडियाज बिकॉज मैंने जो भी प्रैक्टिस की थी ऑनलाइन देखा था मैंने ग्राउंड के टास्क कैसे होते हैं. और एक बार मुझे सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में जो है वहाँ पे कुछ ग्राउंड के टास्क है, एक दिन के लिए मैं वहाँ गई थी टू सी ऑल ऑफ दैट. सो वो मैंने देखा और मुझे फॉर्चुनेटली ग्राउंड पे आ रहा था क्योंकि GTO is something that you, it's like an innate ability. He is developed definitely हो सकती है. But the person who has this कि वो जो muscle के जो भी parts होते हैं जो आप लगा सकते हो, there are some people who get that instantly. Even if they might not be smart in academics or anything, but अगर उन्हें कुछ काम बोल दो, कुछ ground पे काम बोल दो, they do it like quickly. तो somewhere मेरा ground ही अच्छा था. Psychology ये हो गया and interview में I was casual. So he grilled me a lot. The moment I went inside, he was like, why do you want to join this testosterone filled institute, this profession? मैंने कहा, okay, this is how it's going to happen. और उसमें I did not know, like I had not clearly demarcated the lines कि मुझे क्या चीज़ उन्हें बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी personal life के बारे में. So when he asked, first I was like, no sir, no, I won't share it. But he was like, बता दे अनुष्का क्या ही होने वाला. And I started. तब मुझे समझा दिस इज यू शुड नेवर डू दिस, यू शुड नेवर चेंज एन आंसर इन एसएसबी. इट इज लाइक अगर बताना था तो पहली बार ही क्यों नहीं बताया, और अगर नहीं बताना था तो थोड़ा बहुत मतलब प्रोवोक करने पर आपने इतना इजीली कैसे बता दिया. यस नॉट टू चेंज योर स्टैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो मुझे इंटरव्यू में ही समझ गया था कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ से क्लियर नहीं होने वाला है. But and that interview lasted for 1 hour 50 minutes around, so around 2 hours. 50 minutes? Yes, it was a very long interview. I went inside at 3:10. Almost 2 hours. Yes, I went inside at 3:10 and I came out at 5. मैं फिर से मेरे waiting room में गई थी to take my essentials bottle वगैरह भूल गई थी वहाँ पर. And then I saw the time and I was like, okay, this was a very long grill. And maybe and the thing was that interviewer was giving me many chances. कि अनुष्का ये तो जवाब सही दे दे सो दैट वी कैन गिव यू स्कोर्स. बट आई वॉज एट माई बेस्ट देन
एंड दस फिर हो गया, लेकिन एट द एंड ही सेड आई होप टू सी यू इन द एकेडमी सून. सो तब मुझे लगा था यार पोटेंशियल तो है, मैंने वो मोटिवेशन फैक्टर मैंने रखा था. एंड इन माय कॉन्फिडेंस आई गॉट टू नो, कॉन्फिडेंस लंबी नहीं चली थी, सो दैट मींस दैट आई वाज क्लियरली आउट. ऐसा नहीं था कि बॉर्डर लाइन कॉन्फिडेंस में. क्या पूछा आपसे कॉन्फिडेंस में? ज्यादा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ यही पूछा कैसा था आपका स्टे एंड ऑल, जो एक बेसिक सवाल हर एक से पूछा जाता है. मुझे कॉन्फिडेंस में पता चला कि मेरे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो पैराशूट रेजिमेंट के थे. पता चल गया that he is a man on a different level, and there was जो भी interview हुआ there might be it was like that that he wanted me to give good answers but I didn't, so वो interview clear नहीं हुआ. तो कहाँ पर हुआ था आपका SSB? First SSB हुआ था AT SSB अलाहाबाद. अलाहाबाद. Yes. And the next SSB जिसमें आप अभी? Yeah, it was at 22 SSB भोपाल. भोपाल में. Yes. So वो क्या factor था जो इस बार आपको बहुत help किया या काम आया which was not there before? Yes. And which worked for you this time? Yes. जब मैं conference out हुई so I came back. मैंने मेरे प्रेम सर को बताया कि सर देखो ऐसा ऐसा हो गया है एंड तभी उन्हें दिख गया था दैट आई वाज नॉट हम्बल. आई वाज इन द एयर कि हो जाएगा हो जाएगा. यस हाँ एरोगेंस आ गया था थोड़ा कि हो ही जाएगा. सो द मोमेंट आई वेंट टू हिम लाइक आफ्टर गेटिंग कॉन्फिडेंस आउट एंड आई सैट एंड ही वाज लाइक अनुष्का वेयर इज द हम्बलनेस वेयर इज द ह्यूमिलिटी. सो दैट वाज व्हेन आई गॉट अ वेरी बिग लेसन कि अपन हम्बल नहीं थे. वी टुक दैट अटेम्प्ट वेरी लाइटली इवन दैट वाज वेरी पैशनेट बट आई डिड नॉट नो हाउ टू गो देयर और वो एरोगेंस थोड़ा चढ़ गया था तो दिस वाज हाउ इट वेंट एंड ही द मोमेंट ही सॉ मी वाज लाइक नो अनुष्का दिस इज वेरी यू वेंट रॉन्ग. मैं तुझे यहाँ देख के ही बता सकता हूँ वो लोग बाहर जाके क्यों ही लेंगे, मतलब तू जब वहाँ गई थी वो लोग क्यों ही लेंगे. You did not show your real self that you are every day. Rather, you went into this arrogance ki written mein bhi achha score aa gaya hai, to you were in the 7th heaven and you just went there. So, that was like a life lesson ki chahe kitna bhi kuch ho jaye, you should never lose your humility, your humbleness. So, I discussed my attempt with him. Unhe sab bataya ki kahan pe maine kya answer likha tha, psych mein kaisa hua, interview mein to pura interview bataya unhe, GTO bhi bataya. And he was like, okay, we'll have to work on your personality. And jab unhone bataya, then he stated that you need to make that those changes in your everyday life. Aisa nahi hai ki aap jab wahan jaoge aur wahan jaane ke baad aap dekhoge ki all of a sudden you are behaving like a very different person or everyday you are like a lazy person lying anywhere. So that's not the way it works. And since he had mentored like 2-3 students that I mentioned earlier, already selected, unhone bhi bataya ki you need to make those everyday lifestyle changes for this. So सबसे पहले तो discipline और अच्छे से inculcate किया because time slots वगैरह task मैं खुद को task देती थी. जैसे सर ने मुझे बताया था you should always give task to yourself that okay इतना reading होना चाहिए, ये workout होना चाहिए, इतना आपने अलग extra कुछ अगर reading करनी है book वगैरह वो पढ़नी चाहिए. तो वो सब मैंने करना शुरू किया and यही कि बात बदलनी नहीं है. वहाँ जाके आपने पहले नो बता दिया फिर यस बोल दिया. सो ये चीज मैं रोज करने की कोशिश करती थी कि अगर मैंने किसी एक इंसान को ना बोल दिया है फिर हाँ बोल दिया. सो आई हैव टू डू व्हाट आई हैव सेड, लिव अप टू योर यस लिव अप टू द वर्ड्स बिकॉज़ इट्स लाइक यू डू व्हाट यू से एंड यू वुड से व्हाट यू थिंक. सो थॉट्स अच्छे रखने, जो क्लैरिटी है वो रखनी और जो है वही दूसरों को बताना है और जैसा बताया है आप ने वैसा ही करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दिस इज हाउ दी एसएसबी टेक्स दिस टेस्ट ऑन मनसा वाचा कर्मणा लाइक व्हाट यू थिंक व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू. सो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दैट एवरी डे. एंड ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो वो स्विच जैसा कि टर्न ऑन हो गया अब तो मैं ऐसे बिहेव करने वाली हूँ. नहीं, बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने किसी को कमिटमेंट दी है लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही या फिर मैंने खुद को बोला है कि मैं आज वर्कआउट करूंगी इतने तक करूंगी लेकिन आलस की वजह से या फिर जस्ट बिकॉज मैं थक गई उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई. सो ऐसा होता था लेकिन
यू कैन नॉट ऑलवेज बी आइडियल कि अगर आपने बोला मैं आइडियल होने वाली हूँ तो यू जस्ट स्विच एंड आप वैसा करने लगते हो बट इट इज दैट एवरीडे एफर्ट दैट यू पुट इन योर लाइफ या यू स्लोली टू यू स्लोली ग्रो टू दैट लेवल एंड जब ये शुरू हो जाता है कि आप देखते हो कि हाँ कल तो मैंने सब किया था मैंने जो बोला था कल मेरा दिन काफी अच्छा था तो आपको वो एक जो खुशी मिलती है जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका आपको वो एक चस्का लग जाता है कि यस आई वांट द सेटिस्फैक्शन एवरी डे एंड देन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग एंड जस्ट लाइक इट्स लाइक अ टेक ऑफ एक बार टेक ऑफ ले लिया यू गो देयर बट इसमें आपके फ्रेंड्स का साथ आपके पेरेंट्स का साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके गुरु आपके टीचर्स का साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज आई मेंशन अर्लियर सिंस आई वाज कनेक्टेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड लीडरशिप अकेडमी तो यहाँ पे वी ऑल आर लाइक माइंडेड पीपल जो चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो एंड दे बिकम लीडर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस एस्पायरेंट्स है या फिर सिर्फ सिविल सर्वेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बट दे प्रिपेयर फॉर दे प्रिपेयर ईच एंड एवरी दे प्रिपेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी फील्ड एंड जब सब लोग साथ आते हैं तब हमें एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक जो बिजनेस एस्पायर कर रहा है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है जो सिविल सर्वेंट है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है सो जो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पे मिलता है कनेक्ट टू कम्युनिटी लाइक दिस वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा आता है फॉर माई इंटरव्यू आई ऑल्सो ज्वाइन आर्म फोर्स प्रिपरेटरी अकेडमी नागपुर बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैड जॉइंड इट एंड उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो अलग है बिकॉज सिंस दे आर प्रीवियस मतलब असेसर्स रह चुके हैं सो दे नो अबाउट इट एंड इट वॉज अ 14-day ट्रेनिंग सो दे टेल अबाउट टेल यू मोर अबाउट द प्रोसेस हाउ इट इज असेस्ड आपको कितने मार्क्स कहाँ देते हैं सो यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड ये कॉन्टेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल है बट द थिंग इज 14 days की ट्रेनिंग जो मैंने शायद ऑनलाइन या स्पॉन्सर से ली या फिर जो आपका मिली मेरा 14 days cannot change your personality, not even a month can change your personality. ये होता है जब आप अच्छे लोगों के साथ you are associated for a very long time. And this was given to me by this academy. This is why the biggest share of this academy, this result that I have got goes to this academy, goes to Mr. Prem Sahaloya sir. He has been my guru. So yes, that is how it was कि मैंने सब बताया सर को प्रिपेयर किया एवरी डे लाइफ स्टाइल चेंजेस किए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट था बिकॉज मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में मेरा जो करंट अफेयर्स था वो वीक था कि छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम डेट्स याद रखने मिसाइल्स के नाम फैक्चुअल नॉलेज उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता था तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे कुछ डायग्राम्स बनाए थे और जनरल अवेयरनेस जैसे LOC क्या है LAC क्या है फिर AGPL क्या है ऐसे अलग अलग लाइन्स है तो वो सब क्या लाइन्स है सो वंस यू गेट टू नो अबाउट द आर्म फोर्सेस इन दिस वे कि वो कौन से ऑल्टीट्यूड पे सर्व करती है कौन से रीजन्स में सर्व करती है यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होते हैं और हम जो भेज रहे हैं वो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं सो व्हेन यू रीड अबाउट ऑल दिस यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द इंस्टीट्यूट और द प्रोफेशन दैट यू वॉन्ट टू गो इन तो उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मोटिवेट होते हो जब आप आर्मी के बारे में पढ़ रहे हो एंड विद आर्मी यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स स्पेशली द एडिटोरियल्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग योर ओपिनियंस सो अलग अलग एडिटोरियल्स पढ़ना फ्रॉम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज मे बी एक फेवर में बोलेगा एक अपोजिशन में बोलेगा सो दोनों पढ़ने और वो पर्सपेक्टिव डेवलप करना वो करंट अफेयर्स से न्यूज़पेपर रीडिंग से होगा सो डूइंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो दिस वॉज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई सिस बीइंग माई सेकंड ईयर नाइस ओके अनुष्का देन अभी इस बार आपने ऐसा क्या किया या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जो सेकेंड एसएस भी आपने इस बार दिया इस साल दिया तो कैन यू जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग जैसे फॉर एग्जांपल आप किस स्क्रीनिंग कैसे गए अभी आपने भोपाल में दिया सो हाउ वाज इट मतलब एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना यस मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग हो गई हूं सेकंड में भी हो ही जाएगा तो बिकॉज़ कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट इन योर स्क्रीनिंग स्पेशली कि आप जितना कॉन्फिडेंटली डिलीवर करते हो उतना अच्छा है सो व्हेन देयर वर 34 गर्ल्स एंड 30 ऑफ देम वर स्क्रीन्ड इन सो OIR तो मेरा अच्छा गया था बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की थी बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने OIR की बिकॉज जो अपने हाथ में है उसमें हमें बेस्ट देना है OIR है और नरेशन है अपना और आप जो स्टोरी लिख रहे हो वो है GD इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज जब रिपीटर्स का ग्रुप आता है द कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज लाइक एनीथिंग बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक द इनिशिएटिव सो OIR मेरा अच्छे से गया उसके बाद PPTT में एक हेजी पिक्चर आया था
बुक स्टोर जैसा कुछ दिख रहा था एंड आई रोट की एक रिसर्च प्रोजेक्ट है एंड उनके बुक्स एंड ऑल वो लेना है. तो स्टोरी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक नॉर्मल स्टोरी है तो उसे नरेट काफी अच्छा करते हैं तो शायद हो जाए. तो फिर मैंने नरेशन के पहले जितना भी हमें टाइम मिला था क्योंकि पहले दो ग्रुप्स का हुआ था उसके बाद हमारा हुआ था सो वी गॉट अराउंड 20 मिनट्स. तो उन 20 मिनट्स में मैंने किसी से बात नहीं की. आई वाज जस्ट रिवाइजिंग माय स्टोरी बिकॉज आपके पास पेपर नहीं होता सो यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स स्पेशली स्मॉल पर्टिकुलर लाइक नेम एज. अगर आप वो गलत बोल देते हो तो एक बुरा इंप्रेशन जाता है लाइक यू डिड नॉट रिवाइज इट राइट. सो उन 20 मिनट्स में आई वाज रिवाइजिंग माय स्टोरी अगेन एंड अगेन. I went there and I said I was sitting exactly in the middle. यहाँ से 10 लोग around हमारा 20 का group था 15 to 20 girls थे तो यहाँ से लोग थे 7-8 girls from both the sides. So एक तो जब आप बीच में आते हो तो या फिर आप last में आते हो तो ऐसा है कि सबके stories सब लोग बोलने वाले हैं and discussion में discussion के लिए it is very important for you to listen to others' stories. So, उनकी भी स्टोरी सुननी थी खुद की भूलनी भी नहीं थी. सो बीच में आई वाज यू नो रिवाइजिंग एंड आई वाज आल्सो लिसनिंग टू देयर आइडियाज. मैं बस मेन पॉइंट्स ले रही थी. अच्छा इसने प्रोजेक्ट पे लिखा है बहुत लोगों ने लिखा था लाइब्रेरी लिखा था आई थॉट इट वाज अ बुक स्टोर. मेरे बाजू में सब बुक स्टोर लिखा एक साइड में सब लाइब्रेरी वाले थे. सो दे स्टार्टेड नरेटिंग एंड व्हेन इट वाज माय टर्न आई स्टार्टेड नरेटिंग आई नरेटेड एंड द नरेशन वेंट वेल. सो नरेशन के बाद आई थॉट यस हो जाएगा. But the thing was, सब लोगों का नरेशन अच्छा था. There were hardly one or two girls जिनका नरेशन उतना अच्छा नहीं था because all were repeaters, everyone was prepared. So उसके बाद discussion शुरू हुआ. Discussion was chaotic, like full of chaos. So उन्होंने divide कर दिया group the moment the discussion started. So मेरे right side से group एक divide हुआ था और यहाँ पे एक group था. So the first group discussed and वो एक library में बच्चा study कर रहा है Olympiad exam के लिए उस story पे आया. और मेरा जो ग्रुप था वो हम आए कि दैट इज अ बुक स्टोर एंड वो वहाँ पे गए हैं फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कुछ उन्हें बुक्स लेने हैं कुछ लोकल बुक्स लेने हैं रिटन बाय लोकल ऑथर्स ऑन सम यमुना क्लिनिक. हमने ये बनाया था और लास्ट में सेसर्स बोले कि नाउ कम टू कॉमन स्टोरी बट वन मिनट. सो तब यू ऑलवेज आइडेंटिफाई कि इन सब में से देर आर टू वन और टू गर्ल्स हु आर डोमिनेंट. और मैंने दोनों साइड से देखा उनके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाया एंड आई मर्ज बोथ द थिंग्स कि ठीक है लाइब्रेरी कंसिडर करना है लाइब्रेरी कंसिडर करो. और कुछ हमने जो इनपुट्स दिए थे कि मटेरियल वहाँ अवेलेबल था इन्होंने जो इनपुट्स दिए थे कि वहाँ पे साइलेंस था तो एक जो एम्बियंस रखता है पढ़ाई के लिए वो वहाँ मिलता था एंड समवेयर आई कमेंड द स्टोरी बोथ द स्टोरीज आई कमेंड द स्टोरीज. सो जब ये पॉइंट आउट करना था कि नॉमिनेट करना होता है कि वन ऑफ यू would be narrating the group story, the common story. Yes, so उन्होंने specifically बोला that nominate except yourself, like no self nomination allowed because सब लोग तो बोलेंगे खुद को ही करना है. So I did not want to narrate because बहुत chaos था but everyone just looked at me and they said this chess number. मुझे वो first stage का याद नहीं but ठीक है सबने मेरी तरफ देखा और बोला I said thank you. जितना याद आया जितने पॉइंट्स याद आए मैंने उतने बता दिए एंड द स्टोरी वेंट वेल जो कॉमन स्टोरी थी वो. एंड द वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लिसन टू अदर्स आल्सो इन द डिस्कशन. अगर आप दूसरों को नहीं सुनते हो वो असेसर्स को दिख के आता है कि आप दूसरों को सुन ही नहीं रहे हो आपको बस आपका पॉइंट बोलना है और ठीक है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया. बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क इन ग्रुप डिस्कशन. दिस इज नॉट हाउ यू वर्क इन द ग्रुप. जब आप ग्रुप में हो तो आपको दूसरों को सुनना भी है आपका खुद का पॉइंट देना भी है ग्रुप को साथ भी लेना है साथ में रखना है. सो आई नरेटेड द स्टोरी एंड उसके बाद आई वाज स्क्रीन्ड एंड सो 30 वाज स्क्रीन्ड एंड आउट ऑफ 34 इट वाज अ गुड स्क्रीनिंग रेशियो बिकॉज बहुत सारे रिपीटर्स थे 13 out of 34. Yes, 30, yes. तो लुक्ड कॉम्पिटेंट सो उन्होंने स्क्रीनिंग कर लिया. Yes, so this was how my screening was. Then after screening, how it went like? Yes, screening ke baad we were given the PI, the personal information questionnaires. So मैंने घर से ही मतलब वो PDF available है, so घर पे ही print बना के मैंने सोच लिया था मुझे कौन सी चीज़ क्या लिखनी है PIQ में, मेरे hobbies क्या लिखने हैं, मैं कहाँ रहती हूँ वगैरह वो सब चीज़ें मैंने सोच लिया था कि मैं क्या लिखने वाली हूँ. मैंने practiced it because आप जो भी उसमें लिखते हो
वो हमें 3 से 4 3 कॉपीज लिखने बोली थी. सो आई फेल्ट लाइक दोस कॉपीज आर गोइंग टू द 3 असेसर्स. सो तीनों वो पढ़ने वाले हैं, वो आपके हॉबीज देखने वाले हैं, आप सच में वो करते हैं. यस, जीटीओ साइकन इंटरव्यू तीनों के पास शायद वो पीआईटी जा सकते हैं. सो वो पढ़ना मतलब उसमें आप जो भी लिख रहे हो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए. जो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको क्रिकेट के रूल्स पता होने चाहिए. अगर आप क्रिकेट खेलने के साथ फॉलो कर रहे हो तो फिर आप फॉलो कर रहे हो तो टीम्स के नाम वगैरह और ये सब जानना पड़ता है. यस, इन द डिटेल्स पता होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप बोल रहे हो आपको क्रिकेट आप क्रिकेट खेलते हो एंड उसके बाद आपको डिटेल्स ही नहीं पता देन दे वुड क्वेश्चन कि आपको आप सच में खेलते हो या नहीं. बिकॉज दैट्स द ओनली वे दे कैन वेरीफाई व्हाट यू हैव रिटन इज ट्रू और नॉट. बिकॉज सर्टिफिकेट्स तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है बट इट्स ओनली नॉलेज दैट विल डिस्टिंग्विश व्हेदर यू कैन डू व्हेदर यू हैव डन दैट और नॉट. यस, सो पीआईक्यू में जितना भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक नोट्स ऑफ इट. मैंने तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस जब भी पूछेंगे हु इज क्लोजेस्ट टू यू इन द फैमिली हु इज योर बेस्ट फ्रेंड वो भी लिख के रखा था. सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए. जो आपका स्टैंड है वो है एक बैलेंस स्टैंड होना चाहिए. बट ऐसा ये नहीं दिख के आना चाहिए दैट यू आर कंफ्यूज्ड दिस इज वेयर यू आर टेकिंग बोथ द साइड्स. सो उसके लिए लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I wrote down everything. Like I had a book. I was carrying a book जिसमें मैंने सब लिख के रखा था. क्रिकेट के बारे में, कबड्डी के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, योगा के बारे में, बुक्स के बारे में. And I was well prepared. तो उस दिन वो हुआ. And we were given rest that day. The next day we had our psychology test. तो psychology में I was confident this time because मुझे समझ गया था कि स्टोरीज लिखनी कैसी और एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी सो आई डिड नॉट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया. एंड जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रैक्टिस भी कम की थी तो वो टेम्परामेंट भी बिल्ड नहीं हुआ था. बट दिस टाइम आई न्यू कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू दे वांट. जिसमें आपको एक अच्छा आइडिया लिखना है. एंड ये अच्छा आइडिया तभी आएगा जब आप डे टू डे लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें करोगे. फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ पे मानसून आने वाला था तब आई डिसाइडेड कि सब ट्री प्लांटेशन करते हैं एंड वी जस्ट सिंपली प्लांट ट्रीज. अब कभी जलते हैं कभी नहीं है. सो वेदर दे आर ग्रोइंग और नॉट वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट देम. सो आई रिसर्च अबाउट दिस थिंग कॉल्ड मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन टेक्निक. यस, सो आई रिसर्च अबाउट इट. मैंने देखा कि वो कैसे करते हैं. मतलब फिर उसमें भी जो लोकल स्पीशीज होते हैं प्लांट्स के वो लगते हैं. तो आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिकॉज आई लव एनवायरमेंट एंड इट इज माई ड्रीम दैट आई हैव माई फॉरेस्ट वन डे. आई ग्रो फॉरेस्ट वन डे. दिस मे सीम टू बी अ वेरी यू नो लेम ड्रीम फॉर समवन बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस. यस, सो इसमें मैंने रिसर्च करना शुरू किया एंड मेरी जो स्टोरी थी 12 स्टोरी जो आप लिखते हो जो आप मन से लिखते हो उसमें मैंने ये ही लिखा. एंड इट वॉज वेरी इजी फॉर मी बिकॉज उस पर मैंने अराउंड 1 मंथ के लिए काम किया था. मैंने रिसर्च किया था, मैंने लोगों से पूछा था, मैंने प्लांट्स देखे थे, मैंने जगह देखी थी मुझे जहाँ करना है. सो इफ यू हैव दिस क्यूरियोसिटी इन योर डे टू डे लाइफ जैसे अभी एक्सीडेंट हो गया और आपको फर्स्ट एड देना है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं. कि अगर बर्न इंजरी है तो फर्स्ट एड अलग है या फिर अगर कोई वुंड है या फिर हैवी ब्लीडिंग है तो उसके लिए क्या करते हैं. कोई बेहोश हो गया है तो क्या करते हैं. सो this everyday curiosity will give you ideas for the psych for the stories that you write. And जब आप ये करते हो, जब आप घर से बाहर निकल के ये सब चीजें देखते हो तो पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है. और ये सब आप अकेले ही नहीं करोगे, आप ग्रुप के साथ काम करोगे. तो ग्रुप में बिहेव कैसे करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है वो आ जाता है. सो और आइडियाज डेवलप होने लगते हैं. सो आई डिड दिस एवरी डे सो दैट आई कुड राइट बेटर स्टोरीज इन माई साइक. एंड हर चीज तो नहीं कर सकते बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग नॉट पॉसिबल. सो उसके बारे में पढ़ना, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखना वगैरह. बिकॉज सबको पता है कि कौन से डोमेन में से आइडियाज आने वाले हैं. कभी ट्रैकिंग का पिक्चर होगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी घर में एक नॉर्मल डिस्कशन होगा. उस सब में आप घर में क्या इनोवेटिव डिस्कशन हो सकता है. अगर एक सिंपल हस्बैंड वाइफ टॉक दिख रहा है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपको बालकनी में कुछ ग्रीनरी से आपको डेकोरेट करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया. ये सारी चीजें भी है जिसमें आप लिख सकते हो एंड आप इसमें आपकी प्लानिंग दिखा सकते हो, आपके ओएलक्यूज दिखा सकते हो. एंड हर एक स्टोरी में द हीरो शुड बी वेरी केपेबल ऑफ डूइंग इन टर्म्स ऑफ ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन, इट इज टेकन. सो दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक द स्टैंड, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक दैट ओनर्स की yes this is what my hero is going to do in the story and the hero does that work.
While doing that, he also gives some work to his subordinates or his friends or maybe someone who is above him. कि ठीक है उन्होंने बोला कि teacher को कि मुझे ये please verify करके दो वगैरह ये चीज भी करना important है. So and when you do this in everyday life, वो वहाँ आ ही जाता है because 4 minutes and 30 seconds यही loop में चलते रहता है 30 seconds picture. 4 minutes, again 30 seconds, 4 minutes. So pressure build होना शुरू हो जाता है और उसके बाद starting में आपको accident जैसे pictures दिखते हैं and बाद में they are vague pictures. I mean the idea is not clear. The picture is clear but the idea is not clear. It is a normal discussion. कुछ भी हो सकता है और आप तब उस pressure में हो तब आपके subconscious mind में क्या चल रहा है वो आप लिख दोगे. तो अगर आप normal friends के साथ discussion करते हो about politics or about something that is not very important. So, तब वो ऐसे दिख के आएगा कि this that is how, what you do in your everyday life. So everyday changes किए psych अच्छा गया. फिर उस दिन मेरा psych हुआ उसी दिन मुझे बोला था कि इंटरव्यू होने वाला है. I waited for 2 hours for my interview but at the end जैसे बहुत टाइम हो गया you go will take it tomorrow. So दूसरे दिन GTO के बाद मेरा पहला ही इंटरव्यू था. So the next day it was first GTO day one. तो उसमें ग्रुप डिस्कशंस हुए. माई ग्रुप वॉज वेरी कॉम्पिटेटिव मतलब सबको बोलना था यस सबको नॉलेज था सब. तो जब डिस्कशन शुरू हुए फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक पे सो आई वाज अ लिटिल काम कि सब लोग क्या सबको बोलना है सो सब सबके बीच कोऑर्डिनेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड वी हैव टू वर्क इन अ ग्रुप पीजीटी में एफजीटी में आगे के टास्क में. सो वो चीज करना कि ओके कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि आप किसी और को बोलने दे रहे हो या फिर आप एक सही टाइम पे शांत रह रहे हो बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो गिविंग योर पॉइंट सो दैट द ग्रुप गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द डिस्कशन गोज वेल. सो ये चीज मैंने करने की कोशिश की थी. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आई फील दैट मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था बिकॉज इफ यू आर लेट्स टेक वन एग्जांपल इफ यू आर टोल्ड दैट 11 AM इज द टाइम नाउ जब वो बोलते हैं एंड देन दे से व्हाट विल यू डू then people start कि हम 11 बजे ही टास्क शुरू करेंगे but you are a group of around 10 people आपको discussion में 10 मिनट लग ही जाएंगे. GB में 20 मिनट देने के बाद भी solution नहीं आता है and you expect कि आप जब ground पे होगे जब वो chaos आपके सामने हो रहा है कि कोई एक bleeding हो रहा है या फिर कोई भी कुछ problem है उसमें आप right 11 AM पे ही start कर दोगे. It is not practical. So being practical is very very important in group planning exercise. Yes, so ये मुझे समझ गया था कि this is how you have to do it. Practicality, just imagine that you are on ground and one person अभी उसका accident हो गया, वो bleed हो रहा है, उसके bleeding हो रही है, so उसको first aid देने में, vehicle ढूंढने में, जो passerby vehicle है, वो मिलने में, सब में time लगता है. And this is just one aspect of GPA कि ठीक है आपने ये सोचा. So GPA is a very good exercise which tests कि बच्चे सिर्फ आपको जैसे coaching दिए वैसे ही लिख रहे हो कि आप सच में उस स्पॉट पे जाके उस मोड में जाके सोच रहे हो कि यस इफ दिस रियली हैपेंस विद मी व्हाट विल आई डू. सो जीपी भी वैसा हुआ एंड पीजीटी में हम सिर्फ 2 टास्क कर पाए. थर्ड के हम बीच में थे आउट ऑफ द 4. हमारा ग्रुप कॉम्पिटेटिव होने की वजह से लोग सुन नहीं रहे थे एक दूसरे का. सो आई ट्राइड माई बेस्ट. आई वॉज लाइक ओके इफ आई एम गोइंग इन यू कैन टेल मी योर आइडिया आई विल इम्प्लीमेंट इट द वे यू टेल मी बिकॉज जब आपको अंदर जाने के बोला है then some people don't come in and teacher se chill rahe you come why did you go aapko idea nahi mil raha so I'm like okay let us cooperate well and aapko idea aa raha hai to aap batao hame idea aa raha hai to hum batate on the ground. No, it was in my mind. I tried my best not to say this because it would have gone harshly in the group but group was very competitive. But whenever I had ideas, I told them to the group in a way that they'll accept it. कि yes, अगर उसने बोला है idea, because if you're humble while doing that, instead of being very competitive then, because group को at the end 4th task तक जाना है. So अगर आप वो humbleness से बता रहे हो, वो एक sense of respect से बता रहे हो, yes, politeness से बता रहे हो, तो लोग सुनते हैं आपका. So I did this whenever I had an idea, I gave it. And initiative भी रखा थोड़ा आगे आगे जा रही थी मैं because everybody was going inside but I knew that there are some people who are just going inside but they don't know the idea and I had this कि नहीं मुझे idea तो आने वाला है because I've practiced well मुझे पता है मेरा GTO strong है so let us project the best here. So PGT हुआ, HGT हुआ,
दोनों अच्छे गए थे। हाफ ग्रुप टास्क में तो मुझे और मेरे एक फ्रेंड को बोल दिया था अब जाओ वहीं पर रुको, फायरिंग शुरू हो गई है, रेडियो कम्युनिकेशन बंद है। और जो बाकी के लोग थे जो बोल नहीं रहे थे उन्हें कहा कि आप दूसरे वे से आओ एंड सो दैट ही सीज देयर एबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बिकॉज वी वर यू नो जस्ट बीइंग सुपर एक्साइटेड कि यस हमें आ रहा है, हमें आ रहा है। बट दैट वॉज हाउ इट वेंट। एंड उस दिन फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू वेंट वेरी वेल दिस टाइम। जैसे मैंने कहा मेरा स्टैंड मैंने नहीं बदला, इफ आई एम सेइंग यस इट इज एन यस, इफ इट्स नो दैट्स हाउ इट इज एंड आई हैव वैलिड रीजंस। अगर इफ यू थिंक दैट वैलिड इज गुड आई विल टेल द रीजंस कि ये सब ऐसा ऐसा है। लाइक इफ दे आर आस्किंग मी फॉर अ स्टैंड कि मुझे पूछा था कि म्यांमार में जो क्राइसिस हो रहा है उसके बारे में बता, यस अपने यहाँ से रेफ्यूजीज आ रहे हैं उसके बारे में बता, रोहिंग्या मुस्लिम्स का ये पूछा था। सो दे आस्क्ड मी एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड सो इट वाज लाइक कि ही न्यू कि इसमें पढ़ा है, ओके लेट्स नॉट आस्क अबाउट दिस। तो उन्होंने वीकनेसेस में मुझे काफ़ी ये किया कि वीकनेसेस बताओ, तो मैंने उन्हें बताया कि ओवर थिंकिंग इज माई वीकनेस, एट टाइम्स आई ओवर थिंक एंड दिस इज माई वीकनेस, सो मैंने वो बताया। सो उन्होंने कहा दिस इज वेरी आफ्पा ही शांसर, आफ्पा में ऐसा सिखाते यू टेल मी व्हाट इज द रियल वीकनेस। मैंने कहा सर दिस इज व्हाट द रियल वीकनेस वीकनेस इज दैट इफ आई एम ओवर थिंकिंग, सो वही होता है कि आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स इफ आई एम ओवर थिंकिंग। इवन माई फ्रेंड्स से द सेम थिंग, माई टीचर्स ऑल्सो से द सेम थिंग। तो तब वो रुक गए तो और उन्होंने फिर ग्रिल नहीं किया। सो ऐसे ही उन्होंने सवाल पूछे, एवरीडे लाइफ पे भी उन्होंने काफी पूछा कि आप घर में कुछ काम करते हो क्या, मेरे फोन का स्टोरेज कितना है, ये छोटी छोटी चीजें थी। मुझे इंजीनियरिंग से पूछा कौन सी ब्रांच लेने का आप सोच रहे हो, तब मैंने ENTC सोचा था। सो मैंने कहा ENTC करना है, तो वो बोले अच्छा आपके फोन का स्टोरेज कितना है, तो तब मुझे उतना याद नहीं था। सो आई सेड सर इट्स ईदर 64 GB और 128 GB। तो वो बोले अच्छा व्हाट इज जीबी, मैं कहा गीगाबाइट्स, तो वो बोले थे अच्छा बट हाउ मच गीगाबाइट इज लाइक वन, लाइक हाउ मेनी बाइट्स इज वन गीगाबाइट। सो तब मुझे याद नहीं था एंड आई न्यू कि इट इज नॉट लाइक 10 to the power वाला थिंग, इधर नंबर अलग होता है। सो मैंने कहा सर इन केजीज इट इज लाइक दिस बट हियर आई डोंट नो एंड इफ यू डोंट नो यू शुड बी क्लियर कि यस सर मुझे नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आना गुनाह थोड़ी है। आई हैड दिस इन माई माइंड कि इवन नहीं आ रहा तो स्माइल करके बोलो सॉरी सर आई डोंट नो, सो ही वॉज ओके विद इट। एंड इवन सो ऐसे ही सब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा और लास्ट लास्ट में कहा कि अनुष्का आप ट्रेनिंग कैसे करोगे, मतलब आपको क्यों ज्वाइन करना है आर्मी एंड इस पे आपको क्यों ज्वाइन करना है NDA, उन्होंने व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिया आपने पूछा ही नहीं। और ये बोलते हैं उन्होंने कहा आप कर पाओगे, तो मैंने कहा यस आई डू इट। सो वो कर पाओगे इट वॉज येस और नो क्वेश्चन, सो आई सेड यस। देन ही वाज लाइक आरंट यू स्केर्ड ऑफ एनीथिंग अनुष्का, मैंने कहा मतलब आई शुड हैव गिवन अ गुड आंसर आई थिंक राइट नाउ, बट तब मैंने जो जोश में बोला नो सर नथिंग, तो वो बोले अच्छा कमांडो वॉक कितने अटेम्प्ट में करोगे, मैंने कहा सर फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जब मैंने कमांडो वॉक वहाँ का देखा उससे ऊंचा तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आपका मैं कह लो फिर SPI में कह लो उससे ज्यादा हाइट पे होता था। सो मुझे अच्छा लगता है ये टास्क सॉल्व करना, तो वो भी हो गया। तो इट वॉज द इंटरव्यू वेंट नाइस एंड एट द एंड लाइक आई जेन्युइनली फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू, मतलब पहले फेल्ट गुड बोला एंड देन जेन्युइनली बोला, सो आई थॉट ओके इट माइट बी नाइस। देन अगेन यस पॉजिटिव साइन, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो कुछ तो अच्छा गया है। मुझे बहुत सारे आंसर्स नहीं आए थे एंड मैंने वो क्लियरली बोला था सॉरी सर आई डोंट नो दिस आई हैव टू रीड। सो एंड इट्स ओके, मतलब मेरे दिमाग में मैंने माइंड सेट बना दिया था नहीं आता है तो क्या ही प्रॉब्लम, इट्स ओके इफ यू डोंट नो बट यू शुड नो थिंग्स रिलेटेड टू योर ओन लाइफ At least, that's basic. अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, then it's में आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। But if you don't know what's happening in the country, it's okay. अब जब आपने बारे में तो जान, अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता है तो आप एक प्रोफेशन क्यों ज्वाइन कर रहे हो, मतलब you don't even have the clarity what do you want to do, because you don't know yourself, and then you're going there. So this was one thing that's very important. And उसके बाद मेरा GQ Day 2 हुआ, उसमें उसके बाद लास्ट वाला।
तो फर्स्ट वाला मीडिया ट्रायल्स था, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडिया ट्रायल्स, तो वो हो गया. सेकंड भी कुछ ऐसे ही था जो मैंने पढ़ा नहीं था, अफगानिस्तान का कुछ तो रिलेटेड था बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. एंड द थर्ड वन वॉज एनर्जी क्राइसिस. मैंने कहा ठीक है एनर्जी क्राइसिस पे लेते हैं और अच्छा बोलते हैं. एंड इन माई लेक्चर इट आई वॉज स्टक फॉर 2 or 3 seconds समवेयर एंड बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, बट उसमें मैंने आई मेड श्योर दैट आई इंक्लूड करंट अफेयर्स एंड ऑल कि अगर नीचे का टॉपिक लिया है उसमें भी रशिया यूक्रेन डाल सकते थे, चाइना ताइवान डाल सकते थे, तो मैंने वो चीज़ें डाली एनर्जी से रिलेटेड. सो मेरा लेक्चर एट भी अच्छा गया था ऑन GTO Day 1. एंड GTO Day 2 पे कमांड टास्क मेरा कमांड टास्क डिफिकल्ट आया था तो मुझे लगा कि येस. सो जब मैं मेरे कमांड टास्क के लिए गई सो आई अंडरस्टूड कि टास्क जो थे वो काफी अजीब थे. लाइक देयर वाज एन इनवर्टेड एल एंड जो इक्विपमेंट मुझे जो हेल्पिंग मटेरियल दिया था देयर वाज दिस रिंग जो कमर में लेके घूमते हैं वैसी एक मेटल की रिंग थी, एक रॉड था कि बॉर्डर रॉड जिसको ऐसे आउटलेट्स थे दोनों साइड से एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट. मैंने कहा बल्ली फट्टा रोप तो है नहीं, ये कुछ अलग ही है. बट मैंने जब वो करना शुरू किया व्हेन आई गॉट माय सबऑर्डिनेट्स एंड आई स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग सो तब मुझे आइडियाज आने लग गए. एंड इट वाज एंड मुझे बोला गया था कि आप जिस वे से एंटर करोगे आप उस वे से वापस नहीं जाओगे, आपको दूसरे वे से जाना है. सो तब मैंने मतलब मुझे लगा कि यस द डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग. तो मैंने एक आइडिया दे दिया, उन्होंने कहा नहीं अब दूसरा आइडिया दो. सो दैट वाज हाउ आई अंडरस्टूड दैट द GTO इज टेस्टिंग मी एंड इट्स ओके, द कमांड टास्क इज गोइंग गुड, जस्ट डोंट गेट अंडर प्रेशर and just be very bouncy and all and just do the way you are doing it. तो वो हो गया. एंड मेरे बाकी के टास्क भी जो थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आई डिड 7 out of 10 जो है अच्छा स्कोर भी नहीं है बट योर प्लानिंग मैटर्स अ लॉट कि आपका रूट कैसा प्लान कर रहे हो, दैट शोज योर प्लानिंग देयर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज व्हिच इज वन ऑफ द ओएलक्यूज. सो 1 2 3 करके मतलब कैसे नहीं, इट डिपेंडेड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द टास्क द ऑब्स्टिकल्स कि ऐसा शुरू करो कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे इन अ फ्लो कि आप एक सर्कल में जा रहे हो, ऐसा कोई टास्क हो गया. नो इट इज नॉट लाइक दैट बिकॉज 1 अगर यहाँ पे सो 2 इज एट डायमेट्रिकल एंड सो बट दे आर जस्ट स्कैटर्ड एवरीवेयर. सो यू प्लान इट मेटिकुलसली व्हेन यू आर गिवन, जब आपको एक्सप्लेन करते हैं आपके GTO तभी प्लानिंग शुरू कर देनी है. सो आई प्लान दैट वेल एंड आई डिड 7. I should have done more because मेरा stamina is one of my weaknesses कि मेरा stamina होता है and I'm working on it. So वो भी अच्छे से हो गया. This was how my GTO was. I said about my interview and psych भी हो गया. So the next day there was conference and मेरे conference के पहले बहुत discussion चल रहा था. मतलब around 20 minutes I sat and 20 minutes was common for almost everyone. But one thing was at times I could hear the giggles and laughters and I was like what's happening inside? क्या होने वाला है अंदर जाके? तो मैं अंदर गई, दे आस्क्ड टू रेट माय परफॉर्मेंस. मैंने कहा साइक अच्छा गया है एंड बाकी इसमें 8 बिकॉज मेरा जनरल अवेयरनेस वीक है, करंट अफेयर्स वीक है इसलिए. एंड दे सेड ओके, और आते ही दे आस्क यू ओके हाउ वाज एवरीथिंग. सो आई सेड एवरीथिंग वाज गुड. उसके बाद ये रेट करने का बोला, मैंने कहा उसके वो रेट कर दिया. उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा हाउ वाज इट, मतलब यू कैन गिव अस सम सजेशंस अनुष्का. मैंने कहा नो सर एवरीथिंग वॉज नाइस, उस पर ही फोकस किया. फिर उन्होंने मुझे पूछा कि रिकमेंड होने के बाद क्या करोगे, तो तब मुझे लगा कि ओके आई गेस दे आर रिकमेंडिंग मी. सो आई स्टार्टेड यू नो आई सेड आई विल जस्ट एंजॉय सर, आई विल जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट. वो बोले हाँ बट 1 महीना मिलेगा आप क्या करोगे. मैंने कहा सर ट्रैकिंग करूंगी, फ्रेंड्स से मिलूंगी जो इतने टाइम से नहीं मिल पाई एंड आई वर्क ऑन माई स्टेमिना. उन्होंने पहले मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, फिर उन्होंने बोला कुछ और करोगे क्या, तो मैंने कहा यस सर स्टेमिना बिल्ड करना बिकॉज अकेडमी के लिए लगेगा. Then वो कहा ओके ओके एंड देन दे सेड अनुष्का दिस वोंट अफेक्ट योर रिजल्ट, यू कैन टेल अस, गिव अस वन सजेशन एटलीस्ट. तो मैंने कहा सर द फूड एट द मेस वॉज गुड, आर अकोमोडेशन वॉज ग्रेट एंड द फैसिलिटीज एमिनिटीज वर गिवन टू अस एट टाइम. द ओनली थिंग वॉज दैट वी वर नॉट एबल टू कॉल बिकॉज द BSNL वॉज डाउन. वहाँ पे तब भोपाल में स्टॉर्म्स एंड ऑल थे अगस्त के 9 पे, 25th to 29th August चला था मेरा. सो उसमें मैंने ये बोला एंड आई सेड सर दिस वॉज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द वेदर एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द सेंटर, दिस इज वाई एवरीथिंग वॉज नाइस. और मैंने ऑलमोस्ट यही टोन में बोला था इसे, इट वॉज एक कन्विंसिंग टोन कि सर यही है एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग अगेन एंड दिस सेड ओके अनुष्का ऑल द बेस्ट यू मे लीव एंड आई लेफ्ट. एंड जब रिकमेंडेशन का हम बताने वाले थे सो दे सेड कि आपको क्या लगता है कौन कौन होगा,
मेरा ग्रुप ऐसा था कि उन सब ने अपने अपने चेस नंबर्स लिए, ऐसा नहीं कि कोई किसी और का चेस नंबर ले रहा है. सो एवरीवन वाज शाउटिंग देयर ओन चेस नंबर. सो मैंने देखा, एक मिनट तक ये चला एंड देन आई सेड सभी ले रहे तो अपन भी ले ही लेते हैं. आई सेड चेस नंबर 23 एंड द पर्सन हु वाज अनाउंसिंग इट वो ऑफिसर मेरे पास ही देख रहे थे एंड ही स्टेड फॉर मी फॉर 30 seconds. आई वाज लाइक ये ऐसा क्यों घूर रहा है. बट आई वाज लाइक मास्क पहना था तो उन्हें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था. एंड देन ही स्टार्टेड टेकिंग चेस नंबर्स and he took two chess numbers. My chess number was 23 और out of 30 से मैं end end में थी. sequentially लिया था उन्होंने. so a fresher got recommended. उसके बाद एक repeater and then before taking my name he was like she has improved a lot and you should look up to her and I was like ये मेरा नाम लेने वाली है, मेरा chess number लेने वाला है. I was very excited but somewhere एक gut feeling होती है कि अगर हो गया है तो हो ही गया. so मेरे lap पे मैंने मेरे documents रखे थे. And the moment he started saying this ki she was a repeater but now she's performed with, मैंने वो उठाया साइड में रख दिया. I thought my name is going to be, he would take my chess number and he took my chess number 23. Congratulations, you are recommended. So मैं खड़ी हुई and my one more friend Ayushi, she also got recommended with me. And जब हम वहाँ से जा रहे थे वो हॉलवे से और जब वो आगे के प्रोसेस के लिए, सो दैट टाइम आयुषी स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज व्हेन मुझे भी थोड़ा सा रोना आ गया कि यस फाइनली रेकमेंडेड. जितने एफर्ट्स पुट किए, इतने पैशन से एफर्ट्स पुट किए थे, वो अभी हो गया. अ टोटली डिफरेंट फीलिंग, अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग. इतनी अनसर्टेनिटी और फाइनली जब आपका वो नाम आता है, राइट, और वो जो टेंशन होती है नाम लेने से पहले. यस, नर्वस, आई वाज वेरी नर्वस बिफोर माय कॉन्फ्रेंस. मुझे नर्वसनेस इतना हो गया था कि मेरा पैर में टैप करना शुरू कर दी थी. इट इज समथिंग दैट आई डू, तो इनवॉलंटरी होने लग गया था. सो आई वाज लाइक जस्ट काम डाउन अनुष्का, जस्ट थिंक ऑफ योर पर्पस फॉर व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस. इट इज एट द एंड इट्स फॉर सर्विस, इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ. अगर वो इतना सेल्फिश होता तो शायद लक ने मुझे इतना साथ नहीं दिया होता. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, thinking about my idol Sudhir sir, and I was just there, whatever the result would be, I would just smile and just go home, and the result came. Nice, yes. Very nice. Yes. Finally, after a long journey, yes, we have you as second All India rank. Yes. So, whom do you want to give credits to behind your story? There are so many people, मतलब ये रिजल्ट सिर्फ मेरा रिजल्ट ही नहीं है बट बहुत बहुत लोगों का रिजल्ट है. फर्स्टली माई पेरेंट्स फॉर बींग सपोर्टिव लाइक एनीथिंग. उन्होंने कभी जेंडर बायस तो किया ही नहीं कि तू लड़की है इसलिए फौज में जाना, उन्होंने ये नहीं सोचा. उन्हें फौज के बारे में पता नहीं था इसलिए उन्हें ये सिविल बैकग्राउंड था, उन्हें पता नहीं था इसलिए वो डाउट आया था इनिशियली. बट द मोमेंट दे गॉट टू नो दे वर लाइक ओके अनुष्का, इफ यू वांट टू डू इट एंड इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट, वी आर देयर विद यू. राइट फ्रॉम माई फादर, उन्होंने हर एक चीज प्रोवाइड की. मैंने अगर कहा कि मुझे ये कोचिंग करनी है, he allowed me to do that. उसे financially मुझे support तो किया ही है. And these are like big things, but there were also small things like अगर मैं center से बाहर निकल रही हूँ तो मेरे लिए एक रिक्शा आ जाए. वो मेरे साथ पूरे time के लिए थे भोपाल में. तो he has done that a lot for me. My mother has helped me immensely because जब पढ़ना होता था तो सुबह से पढ़ना होता था और सुबह जल्दी उठ गए तो मुझे जल्दी भूख लगती थी. तो शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली विद मी एंड शी यूज्ड टू कुक फॉर मी एंड वो टाइम पे प्रोवाइड करना कि मेरी मम्मी की वजह से मेरा स्केड्यूल खराब नहीं होना चाहिए. वो हमेशा शी इंश्योर्ड दिस एवरी सिंगल टाइम. एंड सिंस मैं पढ़ाई कर रही थी तो घर पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी. घर के काम है और उसमें मैं मुझे हेल्प करना पसंद है बट एंगेजमेंट मैंने बहुत कम कर दी थी. तो वो भी मम्मी ने समझ के लिया. एंड जो मॉरल सपोर्ट होता है कि नहीं अनुष्का, इवन इफ यू आर अ गर्ल, बिकॉज एट टाइम्स इट हैपेंस आउटसाइड, बिकॉज बहुत सारे डिबेट्स मिलते हैं कि वुमेन इन आर्मी, वो मतलब बहुत सारे डिबेट्स होती है. यस, एंड आई हैव हैड दीस डिस्कशंस विद माय मदर एंड मदर इज लाइक व्हाट योर टास्क इज, व्हाट योर धर्म इज, दैट यू सिंपली डू योर ड्यूटी. दूसरे क्या बोल रहे हैं, महिलाएं कर सकती है या नहीं, इट्स नॉट व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट.
You are a person, you are an individual who can do skills if you want to do it, if you have that passion and if you are putting those efforts. And by God's grace, and if God wants, so it will happen. So my mother helped me a lot and also my brother. He was leaving college and I had to drop him. He was taking care of my mom and the whole family because I was out. If there was any assignment or college exams, I had to write assignments. So he gave me to write it. So it is an immense help that he has done to me. Then my guru, Mr. Prem Sagar Lohia sir, and his academy, Public Services and Leadership Academy, जो भी personality आज है मेरी, वो उन्हीं के वजह से है. Like anybody, I wrote this on my Insta post also that anyone who would know him would know that how tall he is as a person and what stature he has and what kind of dedication he has for his children, for his students. He teaches them like his own children. And he has given me time every single moment when I needed him. So उन्होंने काफी ज़्यादा help की and this academy also gave me a community of very very good friends. Very, you know, they are like-minded people in terms of serving others. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बस पैसों के लिए कुछ कर रहा है. And association is very important because they say that you are the average of the 5 people that you associate with the most. So यहाँ पे आने के बाद I got incredible friends. I cannot tell you, like, they were like top notch in what they are doing, very cooperative and teamwork जो develop हुआ है मेरा वो PSL academy पे ही हुआ है, उस community पे ही हुआ है. And that it is like I'll always be indebted to this academy. Then I also got guidance from Armed Forces Preparatory Academy Nagpur for 14 days. तो उन्होंने जो SSB के minute चीजें होती हैं वो बताई, so I'm grateful to them too. And Yashmore sir ने भी मुझे online उनका एक course दिया था 14 days का for free, so I'm also grateful to him. And with all this, everyone's prayers, like there are so many people who have prayed that मेरा हो जाए, मेरा हो जाए. Kind-hearted people, I'm very grateful to them and grateful to God too for this wonderful opportunity. Very, very nice. And anything else that you want to give us advice to our viewers who are seeing you as their role model? Yes. And to the girls who are in the process of preparing, अभी जो girls हैं जितने भी, उनके लिए आप एक idol का भी काम करोगे. All India rank first in girls. So, do you want anything to say to them? The thing that I would like to tell them would be that if your goal is very clear, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, be it civil services or be it defense forces or चाहे कुछ भी हो, if you know the why and that why is very strong, it is not a selfish reason or a monetary driven factor कि पैसों के लिए करना है या फिर बस ऐसे ही करना है, rather it is a well thought decision कि I want to serve others, because at the end what you are expected to do is to serve others. It's only then when you would be favored and God would, you know, help you. So I would say that if you are very clear with your why, you know what your present reality is. कि हाँ मुझे इतना नहीं आता है, मुझे इतना आता है. And if you aim कि मुझे इस benchmark तक पहुँचना है, so you should have that will to put in those efforts. You should have that passion to keep the distractions away. चाहे कितने भी distractions आ जाए, अगर आपको पता है आपका why क्या है, तो the moment that distraction comes, you would be like, okay, I know ये time pass है and I have got important things. So if you are that passionate, if you are ready to put in those efforts where you want to go, and with this, if you just firmly decide that yes, this is what I want to do and I'm going to do it, so you should definitely go for it. Never let doubts creep in ki mujhse hoga ya nahi, because the moment this doubt creeps in, it shatters many dreams, because self doubt ki wajah se at times confidence kam hota hai and there are so many other things. So self doubt na karte hue apna position jahan pe bhi hai usse ek higher position aim karke, jisse aapka jo bhi aim hai wo clear hoga. If you do that, if you be a good person, not for your parents only but for everyone, then definitely you would achieve what you want to achieve and you would be satisfied with what you are doing. Yes, that would be my answer. So nice of you. So thank you, Anushka. Abhi hum hope karte hain ki aapka jitna bhi valuable experience aapne mujhe hamare saath share kiya,
वो हम सभी को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और हमें अपने आपकी तरह ही हम लोग भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सब लोग को सक्सेस पाने में वो हेल्प करेगा। और हम आपका वापस से कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए और हम आपके लिए प्रे करते हैं कि आप जहां पर भी जाएं अपनी जर्नी में वहां पर हर जगह अपना परचम लहरा के आए और हमारे देश को इसी तरीके से उनकी सेवा करते रहे, देश की सेवा करते रहे। थैंक यू सर।